हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपना फेसबुक का पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप कैसे नया बना सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है, तभी आपको पता चलेगा कि मैं किसी कैसे अपना फेसबुक का पासवर्ड को चेंज किया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर देना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल करना, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फेसबुक ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट करना, ठीक है, क्योंकि जब से मेटा आया है सेटिंग सब उधर उधर चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले अभी फेसबुक ऐप को प्ले स्टोर से अपडेट करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे तो प्ले स्टोर ओपन करके आपको अपना सर्च बार पे सर्च करना है फेसबुक, ठीक है, और यहाँ से आपको फेसबुक ऐप को अपडेट करना है, ठीक है। मैं पहले से अपडेट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को यहाँ पर ओपन देखना मिल रहा है। ओपन करने का दोस्तों, यहाँ से आपको अपना फेसबुक आईडी को लॉगिन करना है, ठीक है दोस्तों। उसका दोस्तों आपको और देखने मिल रहा है, आपको राइट साइड में अपना प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे तो प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपको सामने देखने मिल रहा है एक सेटिंग, यहाँ आपको क्लिक करना है सेटिंग पे, ठीक है। जैसे तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको सामने देखने मिल रहा है सीएम वॉरिन अकाउंट सेंटर, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे तो सीएम वॉरिन अकाउंट सेंटर पे क्लिक करेंगे आपको दूसरा पेज इस तरह से खुल जाएगा आपके दोस्तों। उसका दोस्तों आपको सामने नीचे देखने मिल रहा है पासवर्ड और सिक्योरिटी, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे तो पासवर्ड और सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे आपको सामने देखने मिल रहा है चेंज पासवर्ड, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे तो चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे आपको सामने देखने मिल रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक, क्योंकि अभी मेटा लिंक है ना दोनों फेसबुक के साथ, इसलिए आपको यहाँ पर दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक नहीं करना है, आपको फेसबुक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से अभी फेसबुक क्लिक कर देते हैं, उसका तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा चेंज पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ से आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है करंट पासवर्ड, ठीक है। करंट पासवर्ड मतलब अभी जो ओल्ड पासवर्ड है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों, अगर आप लोग का पासवर्ड पता नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी इसी मोबाइल पर सेव है अपना पासवर्ड, ठीक है। तो आपको उसको कैसे पता करेंगे आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा बैक आ जाना है, और यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आ जाना है, ठीक है, गूगल पे, ठीक है। जैसे तो गूगल पे क्लिक करेंगे थोड़ा इस तरह प्रोसेसिंग होगा दोस्तों, ठीक है। उसका आपको सामने देखने मिल रहा है ऑल सर्विस, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे तो ऑल सर्विस पे क्लिक करेंगे आपको दूसरा पेज इस तरह से खुल जाएगा, तो यहाँ से आपको सामने देखने मिल रहा है ऑटो फिल, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे तो ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे आपको सामने देखने मिल रहा है ऑटो फिल विद गूगल, यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे आपको सामने नीचे देखने मिला तीन नंबर ऑप्शन गूगल पासवर्ड मैनेजर, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे आपको देखना यहाँ सब जितने सारे भी पासवर्ड सेव है सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको फेसबुक को क्लिक करना है। तो देखिए मेरा यहाँ पर अभी पासवर्ड सेव है, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसको कॉपी करना है और यहाँ से आपको बैग आ जाना है फेसबुक में, ठीक है। और यहाँ पर आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पेस्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से नीचे आपको देखने को मिल रहा है न्यू पासवर्ड, यहाँ से यहाँ आपको नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी नया पासवर्ड डाल देता हूँ, आपको इस तरह से कुछ डालना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल इस तरह कुछ है, ठीक है। तो मैं अभी बना लेता हूँ नया पासवर्ड। तो मैं दोनों यहाँ पर डाल दिया, ऊपर जो डालना है आपको न्यू पासवर्ड में उसको आपको फिर से आपको नीचे डाल देना है, री टाइप न्यू पासवर्ड यहाँ आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से आपको चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अभी देखना अपना पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी चेंज हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना कर देना, ठीक है। सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपको बार बार लॉगिन करने के में आपको पासवर्ड देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से अपना फेसबुक का पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर दें, ठीक है, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू और बाय बाय। Oh, oh, oh.